नमस्कार, निकोबार टाइम्स में आपका स्वागत है। न्यू ईयर्स ईव अभी काफ़ी नज़दीक है और हर साल न्यू ईयर्स ईव पे लोग जो है वो पार्टी करते हैं और जो बीता हुआ साल है उनका उनके मेमोरीज को जो है सेलिब्रेट करते हैं। और इसी पार्टिंग में, इसी सेलिब्रेशंस के दौरान जो है लोग अल्कोहल भी कंज्यूम करते हैं और कई लोग जो है ड्रग्स का भी सेवन करते हैं। तो न्यू ईयर्स ईव पे जो रोड एक्सीडेंट्स का खतरा है वो काफ़ी बढ़ जाता है। हिंदू राष्ट्र शक्ति, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है अंडमान निकोबार आइलैंड्स का, वो हमेशा वोकल रहता है जो भी सोसाइटल प्रॉब्लम्स है उनको लेके। हिंदू राष्ट्र शक्ति ने काफ़ी अहम मुद्दा जो है वो अथॉरिटीज के सामने रखा है। नमस्कार, आज जो है जैसा कि हम देख रहे हैं हमारा सामने जो है नया साल आ रहा है 2024, और हम अक्सर ये देखते हैं कि न्यू ईयर के समय जो है कुछ ना कुछ इंसिडेंट्स होती रहती है। तो इसके उपलक्ष्य में आज हमारा अंशुमन जी एलजी साहब को एक लेटर दे रहे हैं और हमारा एडमिनिस्ट्रेशन को भी। हमारा लेटर में ये लिखा हुआ है कि जो नया साल के वक्त 31st एंड 1st रात के वक्त जो है पुलिस की गश्त रहनी चाहिए, और उससे भी गश्त तो अलग है, प्लस जो जो मेन मेन जंक्शन है, स्पॉट है, वहाँ में पुलिस की बैरिगेड के साथ में होना बहुत आवश्यकता है। क्योंकि अभी हम आए दिन देखते हो कि ड्रग्स की जो वैल्यू है वो ज़्यादा बढ़ रही है, जो ड्रग्स की, और अल्कोहल ये जगह में कम है। जैसा पहले आप देखिए अल्कोहल पुलिस पकड़ता हुआ आपको नजर आती थी, पर आजकल जो है ड्रग्स दिन का दिन बढ़ भी रही है और पुलिस पकड़ भी रही है। और जो ड्रग्स की सेवन करते हैं ये जो है पुलिस जब आपका टेस्ट लेती है उसमें आती नहीं है, मेडिकल टेस्ट में, पर अल्कोहल की टेस्ट आ जाती है। तो इससे जो है बहुत ज़्यादा ही डैमेज होता है, इवन जो कंज्यूम करता है उनको भी, और ये जिनके साथ एक्सीडेंट करते हैं उनको भी। तो इसके ऊपर में हमारा रिक्वेस्ट है एचआरएस की तरफ से कि इस चीज़ को रोकने के लिए जो है पुलिस की जो गश्त है और तैनाती है वो ज़्यादा इस बार हो। एंड सेकेंडली आप देखिए मेनली जो आपका ओपन रोड है, जैसा कि आपका कार्बाइन स्कोप है, मरीना पार्क है, आपका चिड़िया टापू रोड है, आपका जोड़ाई कलान है, इवन आपका उत्क्रोश से लेकर डॉलीगंज बातों बस्ती तक जाती है, जितनी भी स्ट्रेट रोड्स आपको मिलती है, इवन विलेज साइड में जो है बहुत रैश ड्राइविंग रहती है। और ये फंक्शन जो है न्यू ईयर जो है एक सेलिब्रेट करने का है कि आप पुराने साल को बाय बाय कर रहे हो और नया साल का आगमन कर रहे हो। तो जरूरी नहीं है कि आप नया साल के समय ड्रग्स का सेवन करें, आप दूसरी तरीके से भी ये बना सकते हो, स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट करके, दूसरे को बधाई दे करके भी, और इवन यू कैन हैव डिनर विद योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, यू कैन गो आउटसाइड। सो ये तरीका भी है न्यू ईयर का बनाने का। मगर आजकल जैसा हमारा यंग जनरेशन ज़्यादा ऊपर आ रहे हैं और इनको ज़्यादा ड्रग्स और अल्कोहल में दिख रहे हैं और पुलिस भी केसेस काफ़ी पकड़ रही है, तो और सेकेंडली जो है हमारा जो यूथ्स है वो आने वाले समय का जो है हमारा देश का बैकबोन है। अगर आप पहले ही जो है डैमेज कर लोगे अपना आपको तो देश का क्या होगा। तो ये सब चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हमने जो है लेटर लिखी है हमारे लेफ्टिनेंट ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर जी को, और जो कि अंशुमन जी आज जाके देंगे। तो मुझे इतना ही कहना है, आगे जो है अंशुमन जी आपसे कहेंगे। जी सभी को नमस्कार, और ये जो मैं जो लेटर एचआरएस की तरफ से मैं एडमिनिस्ट्रेशन को लिखा है, इसमें खास बात ये था कि हम देखते हैं कि कोई भी इवेंट होता है, कोई भी सेलिब्रेशन होता है, तो कुछ ना कुछ ऐसा हादसा हो जाता है कि वो खुशी का माहौल जो है दुख भरी माहौल में बदल जाता है। तो इस चीज को हम थोड़ा कम करने के लिए ये चीज को जो है एक बार उनके उनके नॉलेज में होगा जरूर, उनका उनका प्लान भी होगा, बट हम जो कंसर्न दिखा रहे हैं वो बस इसीलिए है कि वो और थोड़ा जो है आगाह हो जाए हमारे एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि खास करके जो है हमारा जिम्मेदारी भी बनता है, सामाजिक जिम्मेदारी है कि हम लोगों का वेलफेयर में जो है हम लोग बात करें, सोचें। तो ये एक अच्छा समय रहेगा कि हम अपना कंसर्न को आइलैंडर्स के तरफ में थोड़ा दिखाएं, जबकि हमें यहाँ पे तो मैन पावर जो है वो डिप्लॉय करना ही पड़ेगा, पुलिस ट्रैफिक डिप्लॉय करना ही पड़ेगा, लेकिन खास करके 31st और 1st जनवरी के जो है उन लोग थोड़ा ज्यादा मात्रा में लोग लगाएं, ताकि एटलीस्ट
यंगस्टर्स तो खुद ड्रग्स और शराब के नशे में हादसा कर देते हैं, लेकिन एटलीस्ट हम ये ट्राई करें कि हमारे थ्रू में जितना भी कम हो सके हादसा, वो मेरा ख्याल से अच्छा रहेगा। क्योंकि हादसे के टाइम पे उनको पता नहीं रहता है, लेकिन हादसे के बाद जो है बहुत बड़ा लॉस जो है झेलना पड़ता है किसी ना किसी फैमिली को। तो हम चाहेंगे कि इस चीज को मद्देनजर रखते हुए एडमिनिस्ट्रेशन भी थोड़ा इस बारे में सोचे, क्योंकि उनको तो ड्यूटी लगेगा ही, लेकिन ये ड्यूटी को थोड़ा स्ट्रांगली करें तो बेटर रहेगा। हम भी अपना तरफ से जो भी मुमकिन हो सकता है हम करेंगे, समझाएंगे। जहां हम लोग जाएंगे, अगर हम लोग भी बाहर जा रहे हैं, तो हम ये भी नोट करेंगे कि कहीं पे कुछ एंटी सोशल एक्टिविटीज हो तो नहीं रहे, तो मैं हम भी आगाह करेंगे। और मैं आइलैंडर्स को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप भी समझते हैं कि आपके एरिया में बिना पुलिस सिक्योरिटी या ट्रैफिक के पर्सनल के अगर कोई हरकत करता है, तो तुरंत से तुरंत वीडियो, फोटो या फिर नंबर नोट करके जो है आप कंसर्न डिपार्टमेंट को दे सकते हैं। और पेरेंट्स, मेरा सबसे बड़ा गुजारिश रहेगा कि इस तरह का माहौल पे जो है पेरेंट्स का बहुत बड़ा जिम्मेदारी बनता है। ये पेरेंट्स जो है अपना पल्ला झाड़ नहीं सकता है कुछ भी बोल के कि मुझे नहीं पता था या मुझे बिना बोल के गया, मेरा बेटा तो ऐसे ही है, मेरा कोई लेना देना नहीं है, ऐसा होता नहीं है। ये सब एक्सक्यूजेस जो है ये जो है बेवकूफी है। ये आप हो सकता है कि खुद को सेटिस्फाई करने के लिए ये बात बोल सकते हैं, लेकिन जमाने के सामने में अगर आपका बेटा या बेटी कुछ ऐसा एंटी सोशल हरकत करता है, तो याद रखिएगा ये डायरेक्ट आप पर सवाल उठता है कि आपका परवरिश और आपका जो डिसिप्लिन है उसके ऊपर में भी सवाल उठता है। तो इस चीज को दिमाग में रखते हुए अपना जिम्मेदारी खुद से लिया करें, ताकि बाहर जो हादसा कम हो और कोई कोई डिपार्टमेंट्स या पर्सनल पर बर्डन भी कम हो। यहाँ पे हादसा होता है, पुलिस का एक्स्ट्रा काम हो जाता है, पुलिस आपका हॉस्पिटल्स जो है जो क्राउड जो है संभाल नहीं पाता है। तो काइंडली मेरा ये सच में बोल रहा हूँ, बहुत इमोशनली मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ हमारे आइलैंडर्स को कि अपना जो पेरेंट्स है और जो घर पे अगर कोई यूथ है, बच्चे हैं, उनको जरूर समझाया जाए। और जब भी उन लोग बाहर जाए तो एक बार उनको ये इन्फॉर्म किया जाए, बेटा या बेटी अब जा तो रहे हो, लेकिन अपना सम्मान, पेरेंट्स का सम्मान और अपना डिग्निटी का जो है ख्याल रख के अपना हरकत करिए। तो राकेश्वर लाल जी और अंशुमन रॉय जी, आप लोगों का जो सजेशन है, जो आप लोगों ने दिए, आपने जो कंसर्न रेज किया, वो बहुत जेन्युइन है। हर साल कुछ ना कुछ इंसिडेंट हो जाता है। सर, आपसे एक सवाल पूछना चाहेंगे, जो रिजॉर्ट्स, जो होटल्स, जो पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं, क्या आपको नहीं लगता कि उनका मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब इस तरह का पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जहाँ पता है कि न्यू ईयर है और मोस्ट ऑफ द अटेंडीज जो है वो अल्कोहल कंज्यूम करेंगे, लीगली हालांकि ये चीज उनके लिए मैंडेटरी नहीं है, लेकिन क्या मोरली उनका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनता कि ट्रांसपोर्टेशन वो प्रोवाइड करे ताकि जो है सेफली लोग जो है अपने घर वापस जा सके? क्योंकि देखिए, अगर अपना कार लेकर जाएंगे, अपने बाइक लेकर जाएंगे और ड्रिंक करेंगे और वापस अल्कोहल के नशे में चलाकर वापस जाएंगे, तो डेफिनेटली कोई ना कोई हादसा हो सकता है और डेफिनेटली होगा, और ये इलीगल भी है। तो क्या एडमिनिस्ट्रेशन को किसी तरह का ये एक मैंडेटरी करना चाहिए होटल्स रिजॉर्ट्स को कि अगर आपके पास कोई पार्टी के लिए आता है तो आप उनको जो है ट्रांसपोर्टेशन भी प्रोवाइड करेंगे? क्योंकि ये अनडिस्प्यूटेड फैक्ट है कि कोई अपना कार लेके आएगा, पी के कार वापस चला के भी जाएगा, और उस दिन बहुत कम ऐसे लोग मिलेंगे जो अपने ड्राइवर के साथ आएंगे, क्योंकि रात को 12 बजे 1 बजे उनको वापस जाना होता है, दूसरे लोगों को भी फेस्टिवल मनाना होता है, तो काफ़ी ज़्यादा जो है ये एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। तो आपको क्या लगता है, क्या इसको मैंडेटरी करना चाहिए? देखिए मेरा ये रिक्वेस्ट है एडमिनिस्ट्रेशन से, इवन होटल एंड रिसॉर्ट ओनर्स से, कि देखिए जब आप ये एडवर्टाइजमेंट पब्लिसली करते हो कि 31st नाइट कम एंड एंजॉय विद अस, तो उसमें आपको ये देखना है जितने भी लोग आते हैं वो खुद ड्राइव करके आए हैं गाड़ी या उनके साथ ड्राइवर है। अगर यदि नहीं है तो मैं ये पहले कहूंगा जो ये एडवर्टाइजमेंट ये पब्लिश करेंगे उसमें एक कॉलम ये दे दे कि जो भी इसे अटेंड करेगा वो अपने साथ ड्राइवर लेके आना है, इफ नॉट हायर अ प्राइवेट व्हीकल एंड कम एंड जॉइन अस।
और दे कैन प्रोवाइड बस सर्विस वो प्रोवाइड कर सकते हैं अपना, या ट्रांसपोर्टेशन कैब्स वो अरेंज कर सकते हैं पेमेंट बेसिस में जाने के लिए, सब किया जा सकता है अगर प्रिवेंट करना है एक्सीडेंट्स को। और इसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन को भी किसी तरह का अगर रूल बनाए, अगर वो बनाए कि इस तरह उनको कंपलसरी ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करना है, तो उनके ऊपर भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगा कि उनको प्रोवाइड करना पड़ेगा। इसके बारे में क्या कहना है? देखिए बात ये है ना कि आप जो सजेशन दिए हैं वो होता तो शायद कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहता, लेकिन आप प्रैक्टिकली सोचिए जो रिजॉर्ट या जो होटल्स ये ऑर्गेनाइज करता है न्यू ईयर बैश या न्यू ईयर ईव जो मतलब इवेंट जो है कंडक्ट करता है, उनके ऊपर में रिस्पॉन्सिबिलिटीज और वर्कलोड बहुत रहता है। ऑब्वियसली उनका जो मोटिव रहता है वो ये रहता है कि लोगों के लिए एक 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 ऐसा एनवायरनमेंट बनाया जाए कि उन लोग जो चाहते हैं कि ऑब्वियसली ये मिडनाइट इवेंट है तो रात भर जो है लोग जगे रहते हैं, और मिडनाइट को जो है हैप्पी न्यू ईयर का जो सेलिब्रेशन है वो 12 बजे शुरू होता है, तो इनके ऊपर में रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होता है तो है ही, लेकिन क्या है आप कभी सोच सकते हैं कि हर एक लोग जो वहाँ पे अल्कोहल कंज्यूम करते हैं उनके लिए अलग अलग से कैब प्रोवाइड करना या फिर बस प्रोवाइड करना, ये कुछ आपको लगता नहीं है कि कुछ मतलब डॉन्टिंग टास्क तो है, बहुत ज्यादा बड़ा टास्क हो जाएगा उनके लिए, मैन पावर उनको ज्यादा जरूरत पड़ेगा। लेकिन इसका मेरा सजेस्ट करने का यही मतलब है कि अगर सपोज या तो ये करे कि अंडमान निकोबार ट्रैफिक पुलिस एक एडवाइजरी जारी कर दे कि लोग जो पार्टीज में जा रहे हैं अपना गाड़ी नहीं लेके जाए, ऐसा कुछ करे कि इसको कंपलसरी कर दे कि कम से कम प्राइवेट कैब्स में जाए या रिजॉर्ट वाला एक बस ही प्रोवाइड कर दे, भाई बस इतने बजे इतने जगह पहुंचेगा आप उसमें चढ़ के आ सकते हैं फिर वापस जा सकते हैं, किसी तरह का पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन हो, या रात को उस दिन जो है बसेस अवेलेबल करा दिया जाए, जो प्राइवेट बसेस दिन में चलते हैं उनको कहा जाए कि एक दिन के लिए भाई आपको कंपलसरी रात को पब्लिक सर्विस के लिए चलना है ताकि लोग जो है उन बसेस का इस्तेमाल कर सके और जो है अपना प्राइवेट व्हीकल का इस्तेमाल ना करे ताकि कम एक्सीडेंट्स हो, तो इस तरह का कुछ किया जाए। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। मैं ये भी ऐड करूंगा कि देखिए अब अभी ये तो पर्सनल इंटरेस्ट होता है अपना रिजॉर्ट या होटेलियर्स जो भी इवेंट कंडक्ट कर रहा है, वो उनका अगर पर्सनल इंटरेस्ट रहता है कि उन लोग कैसा करके सेफ्टी मेजर को कायम रखें, लेकिन मैं ये भी बोलूंगा कि रिजॉर्ट और जो इवेंट ऑर्गेनाइजर्स है उनको ये भी देखे कि कौन, अगर सोचिए कि दो जन आ रहा है फैमिली से, चार जन आ रहा है, वो चारों के चारों अगर अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है तो उनको एक आगाह किया जाए कि इनको बाहर ना जाने, ड्राइव करके घर ना भेजा जाए, ये जो है थोड़ा गेट के जो भी मेन गेट रहेगा वहां पे सिक्योरिटी रख के जो है ये चीज को थोड़ा मतलब नजर में रखा जाए। और मैं खास करके ये चीज को तभी हम लोग रोक सकते हैं कि हमें देखिए थोड़ा बहुत नॉलेज होगा कि कहाँ पे एग्जैक्टली इवेंट्स हो रहे हैं, नाइट इवेंट्स कहाँ पे हो रहा है ये सबको नॉलेज में होगा, और ये नॉलेज और ये जो इंफॉर्मेशन है ये पुलिस डिपार्टमेंट को तो 101% होगा। तो मेरा इसी संदर्भ में मेरे को ये लेटर का जो मतलब था कि पुलिस डिपार्टमेंट को ये बोलना था कि खास करके ये जो इवेंट एरियाज है यहाँ पे आप भारी से भारी जो है इसमें रखें मैन पावर को डिप्लॉय करें ताकि पीने वाला गाड़ी ना चलाए, पिया है साथ में कोई ऐसा है कि पिया नहीं है वो गाड़ी चला रहा है तो कोई गाड़ी नहीं रोकेगा, कोई चालान नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर ये मिल रहा है कि ड्रंक किया हुआ है और गाड़ी चला रहा है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इसका जो है थोड़ा स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करे ताकि ये डर रहे और हादसा थोड़ा कम हो। अल्टीमेटली देखिए ये हादसा को अवॉइड करने के लिए है, ना कि एंजॉयमेंट और पार्टी को खराब करने के लिए। राकेश जी एक आखिरी सवाल आपसे मैं पूछना चाह रहा हूँ। जी एक सिंपल सा इसमें बात है कि हमारा जो अंडमान निकोबार पुलिस है, DGP साहब है, जैसा SP ट्रैफिक ब्रांच है, इनको क्या कर रहा है, एक लेटर परस्यू कर रहा है हर एक होटल और रिसोर्ट को जो इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहा है मिडनाइट का, न्यू ईयर का, और उनको ये कहना है जो आप पैम्पलेट्स और जो कूपन एंट्री फीस का दे रहे हो इसमें क्लियर कट आप एक नोट लिख दीजिए कि डू कम अलोंग विद योर ड्राइवर्स और डू कम इन प्राइवेट व्हीकल्स, ये रूल आपको फॉलो करनी है। तो मेरे ख्याल से ये बहुत ज्यादा स्पीडी अवेयरनेस स्प्रेड आउट होगी, तो ये सभी कपल्स की नॉलेज में रहेगी जो भी ये जा रहे हैं
तो उनका दिमाग में रहेगा कि यस हमें जो है किसी ना किसी एक को लेके जाना ही चाहिए अपने साथ। और अगर वो नहीं लेके जाए, कोई ड्राइवर उनके साथ नहीं है, तो उनको अल्कोहल सर्व करना भी वो एक तरीके से मतलब रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि आपको हम आज नहीं सर्व करेंगे अगर आप कैब में नहीं जाएंगे या अगर आप आपके पास ड्राइवर नहीं है, ऐसा भी करना। उसमें क्या होगा कि इवेंट बोलते नहीं, इवेंट के अंदर में कचरा हो जाएगा, ठीक है, लेकिन ये प्री रूल सेट कर सकते हैं तभी इवेंट का टिकट खरीदे जब आप ड्राइवर लेके। प्री रूल्स ये बोल दीजिए कि आप ड्रंक एंड ड्राइव नहीं करोगे, बाकी आप लोग क्या करना है कर लीजिए, स्ट्रिक्टली कर देना चाहिए कि आप ड्रंक एंड ड्राइव नहीं करोगे। उसको अवॉइड करने के लिए आप एडमिनिस्ट्रेशन जो प्रोवाइड करेगा उसमें जाइए, आपका अगर दिमाग है, आपका नॉलेज में अगर है कुछ अल्टरनेटिव वो करिए, लेकिन अल्टीमेट बात यह है कि ड्रंक एंड ड्राइव नहीं होगा, दैट्स इट। तो हमारे तरफ से भी एक सजेशन है, अंडमान निकोबार पुलिस ऐसा भी कर सकता है, रिजॉर्ट का जो सिक्योरिटी है हर इनके पास अगर इनफ ब्रेथ एनालाइजर्स अवेलेबल है तो हर सिक्योरिटी को एक ब्रेथ एनालाइजर दे सकते हैं और उनको रेस्पॉन्सिबल बना सकते हैं कि भाई आपके कंपाउंड से कोई भी जो है ड्रंक एंड ड्राइव वाला निकलना नहीं चाहिए। अगर कोई जबरदस्ती कर रहा है आपके साथ तो आप पुलिस को कॉल करिए, वो आके रोकेगा। ऐसा भी किया जा सकता है ताकि प्रिवेंट किया जा सके, कुछ इंसिडेंट होने के बाद हम लोग चिल्लाएंगे, मीडिया बोलेगा, उससे पहले ही अगर इसको प्रिवेंट कर दिया जाए तो जो है सबसे बेस्ट है, क्योंकि किसी का नुकसान भी नहीं होगा और जो आपका इंटेंशन था वो भी डेफिनेटली जो है सक्सेसफुल होगा। एक पार्टी में मतलब नशा करके कोई सुपरमैन और स्पाइडरमैन अगर समझ रहा है तो उसका कॉन्सिक्वेंसेस ऐसा होता है कि वही आपका वेंटिलेटर या आईसीयू में पड़ा रहना। तो ये चीज को थोड़ा दिमाग में रख के चलें इवेंट्स में।